काश अम्मी माँ की बात मान ली होती, काश तुम्हें जाने से रोक लिया होता। क्यों आ गए तुम्हारी बातों में, क्यों जाने दिया? हिम्मत रखे अखिल जी, सब ठीक हो जाएगा, भगवान पे भरोसा रखिए। कैसे रखूं भरोसा, भगवान है ही नहीं, अगर होता तो क्या हमारी कीर्ति इस हालत पड़ी होती? यहां बचपन से लेकर आज तक उसने कभी किसी से ऊंची आवाज में बात तक नहीं की, कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, और उसके साथ इतना बड़ा अन्याय। कहाँ है भगवान, और अगर है तो अच्छे लोगों के साथ ऐसा क्यों करता है? वो देने ही थी तकलीफ तो हमें दे देता, हमारी खुशियां ले लेता, वो उसके साथ ऐसा क्यों किया? और वो भी इस हालत में। कार्तिक अभी तक क्यों नहीं आया? सर ये आपका फोन है, वहां पड़ा था। थैंक यू। हाँ वो मैम। अच्छा छोड़ो, जहाँ भी हो जो भी कर रहे हो, दो मिनट के लिए मेरी बात सुनो पूरी ध्यान से। हाँ बोलो। वो मैं ना कीर्ति दी के लिए बर्थडे सरप्राइज प्लान कर रही हूँ। बहुत ही अच्छा थीम सोचा है मैंने, और हम ना सब कुछ दी का फेवरेट करेंगे, डेकोर, फूड, कलर, सब कुछ। बस एक प्रॉब्लम आ रही है। क्या? दी के फेवरेट फ्लावर्स इन दिनों इजीली मिलते नहीं है, पर हमें कैसे भी करके वो अरेंज करने, और ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। ओके गुड, फूल तो मेरा फूल अरेंज कर देगा, और केक के लिए भाई को कह दूंगी, मुझसे कम नहीं कि अपनी बीवी के लिए उनका फेवरेट फ्लेवर बेक करे, है ना? हेलो कार्तिक, तुम सुन रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? प्लीज डॉक्टर साहब जल्दी चलिए, मेरे बच्चे की तबीयत बहुत खराब है। ये डॉक्टर वर्ड क्यों सुना मैंने? क्या हुआ, क्या है कार्तिक, तुम किसी हॉस्पिटल में हो क्या? हाँ, किसी हॉस्पिटल में नहीं हूं, मैं तुम्हारे ही डॉक्टर से मिलने आया हूं अपॉइंटमेंट लेने के लिए, तुम तो सीधा घर चली गई। ओ गॉड, क्या है, इतना भी भरोसा नहीं है क्या तुम्हें मुझ पे? कहा था ना मेरे डॉक्टर को दिखा दूंगी, तो तुम क्यों है वहां? मेरी बात हो गई थी डॉक्टर से, उन्होंने कहा था ओपीडी के बाद सीधा घर आ जाएंगे। क्या सोचेंगे वो कि हस्बैंड वाइफ में इतनी भी क्लैरिटी नहीं है? तुम हर बात की इतनी ज्यादा टेंशन क्यों ले लेते हो? अच्छा छोड़ो, अब कुछ और कहा ना मैंने तो हमारा झगड़ा हो जाएगा और मुझे लड़ाई नहीं लगी। तुम जल्दी से निकलो वहां से, जल्दी घर आओ, बहुत सारा काम करना है हमें। एक साथ गए थे हम और कैसे अलग अलग वापस आए, क्या हो गया ये? ये कमरा है भाभी, मत चलिए ना, ये कमरा उससे नहीं होगा देवयानी, मैंने एक बार मुन्ना को ऐसे हालत में देखा है, मैं कीर्ति को नहीं देख पाऊंगी। भाभी माँ कीर्ति की हालत कैसी है?
गया हमारी कीर्ति। हमारी कीर्ति ठीक नहीं है। कीर्ति बेटा, कीर्ति दादी, वो मैं दादी दादी क्या हुआ दादी, आप रो क्यों रही हैं? माँ, चाची प्लीज जल्दी आइए। माँ प्लीज देखिए ना, दादी को पता नहीं क्या हो गया, वो क्यों रो रही है इतना। आप लोगों को कोई आइडिया है क्या? नहीं नहीं नारा, कुछ नहीं, वो कल से ही बहुत ज्यादा परेशान है, जब से तूफान आया ना तब से। अब देखो ना, इसीलिए हम लोगों को भी जल्दी वापस बुला लिया। अब तो हम आ गए ना माँ, तो दादी आप क्यों रो रही हैं? शायद खुशी के मारे रो रही होंगी। संभाली माँ जी, ऐसा क्यों लग रहा है जैसे सब लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? पता नहीं ऐसा है भी या मैं ही कुछ ज्यादा सोच रही हूँ। Hi, Mrs. Goenka. How are you feeling now? I'm fine, doctor. वो sorry, कार्तिक वहाँ पहुँच गया ना। Actually उसे पता नहीं था कि कार्तिक गोयनका यहाँ कहाँ आए? I didn't see him. नहीं डॉक्टर, वो वहीं है, मेरी अभी थोड़ी देर पहले उससे बात हुई, और आप चाहें तो उसी के साथ आप घर भी आ सकते हैं। Wait, let me check. कार्तिक गोयनका आए हैं यहाँ पे? Okay. I'm sorry, लेकिन वो यहाँ पर नहीं है। शहर में हो रहे चुनाव प्रचार के चलते जगह जगह रैलियाँ और प्रदर्शन आयोजित। भाभी ये देखिए हमारी गेम्स की लिस्ट, आपको कुछ ऐड करना है तो कर दो। उदयपुर माउंट आबू हाईवे पे हुई एक सड़क दुर्घटना में दो कारों की हुई जोरदार टक्कर, जिनमें से एक कार में सवार पति पत्नी बुरी तरह जख्मी और दूसरी कार नादारद। जितना शोर मचा रखा है टीवी में, शोर में वैसे ही मेरा दिमाग नहीं चलता। मिलके निकल लेते हैं स्वर्णा, इससे पहले कि नायरा को एहसास हो कि हम घर में नहीं है। मनीष, अखिया क्या हुआ? ये थी तबियत कैसी? क्या बोली ना, बोले क्या बोला डॉक्टर ने? डॉक्टर साहब, कैसी मेरी बच्ची है? बताइए ना डॉक्टर, कैसी? वो ठीक हो जाएगी ना? अभी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुई है। But at the same time, अभी कोई complications और problem भी नहीं है, इसलिए फिलहाल ठीक है। उसका बच्चा? Baby is fine. भगवान की लीला पर अंपार है, माँ की ऐसी हालत में भी बच्चा सुरक्षित है। Are you sure, doctor? I mean, ऐसा होता है क्या? Why not? It is possible. कैसा पल है ये?
समझ में नहीं आता बच्चे के लिए खुश हो जाए या कीर्ति की हालत में दुखी हो। डॉक्टर, आपकी अपने सीनियर से बात हुई क्या? उनका क्या कहना है इसके बारे में? अभी दे आर स्टिल डिस्कसिंग, इसलिए अभी मैं ना ही बोलूं तो बेटर होगा। ओके, कीर्ति की तबीयत हमारे बस में नहीं है, लेकिन नायरा को कुछ नहीं होना चाहिए। प्लीज कर लो, नक्श ठीक कर रहा है कार्तिक, घर के मैक्सिमम लोग यहां हैं, कहीं नायरा को शक ना हो जाए, समझा? हाँ किट्टू, तुम जाओ उसके पास, वो कब से तुम्हारा इंतजार कर रही है। वो बेचारी वहां पे कीर्ति के बर्थडे का सरप्राइज प्लान कर रही है। कभी मरने की एक्टिंग करके, कभी कहीं छुप के गायब होकर, और फिर हर बार सामने आकर डबल खुशियां दी। आज एक बार और कर दे, वैसे एक बार उठ जा और कह दे कि मैं मजाक कर रही थी, कह दे कि तूने मुझे उल्लू बनाया। प्लीज कीर्ति, प्लीज। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।